हेलो गाइस, आज का दिन चौथा, सेट 19वां, नाम मेरा केवल रिया, स्पीडी बुक के सारे क्वेश्चंस और सेट के साथ हम आपका स्वागत करते हैं और जल्दी से इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हीराकुंड परियोजना महानदी का प्रवाह को नियंत्रित करती है। हीराकुंड परियोजना जो होती है दोस्तों, महानदी के प्रवाह को नियंत्रित करती है। सिक्किम राज्य में सबसे अधिक लेपचा जनजाति पाई जाती है। सिक्किम राज्य में सबसे अधिक लेपचा जनजाति पाए जाते हैं। मक्का जो है, मक्का मदीना कहते हैं, वो सऊदी अरब में है। वो कहाँ पे? सऊदी अरब में। द प्रोफेट के लेखक कहलील गिब्रन है। कहलील गिब्रन। डलहौजी झील फ्लोरिडा में स्थित है। डलहौजी झील कहाँ पे स्थित है? फ्लोरिडा में। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। शेर ए पंजाब लाला लाजपत राय की उपनाम है। शेर ए पंजाब किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। वो एक ये था ना दोस्तों, उनका एक नारा है फेमस, मेरे सर पे लगी कांटे की एक एक वार तुम्हें इस अंग्रेजी ताबूत की कील साबित होंगी, तो वो लाला लाजपत राय का है। वो किसी दंगे में मारे गए थे। दंगे में मतलब पुलिस के लाठीचार्ज में। रूसी क्रांति के जनक B.I. लेनिन को कहते हैं। रूसी क्रांति के जनक B.I. लेनिन। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव था नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक है मौलाना आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनका पूरा नाम है दोस्तों। ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। जातक बौद्धों का पवित्र धर्म है। जातक बौद्धों का पवित्र धर्म है। वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर, इसीलिए हमें सूर्य घुमाई देखता है पूर्व से पश्चिम की ओर उल्टा। कालिदास जो थे वो शिव के उपासक थे। कालिदास एक कवि थे, वो किसके उपासक थे? शिव के। मिस्र की राजधानी काहिरा है। मिस्र का मतलब है इजिप्त की राजधानी है काहिरा। राजा भोज द्वारा बनवाई गई विशाल झील भोपाल में है। राजा भोज द्वारा बनवाई गई विशाल झील जो का है भोपाल में। भटनेर का किला हनुमानगढ़ में स्थित है। भटनेर का किला है हनुमानगढ़ में स्थित। अजंता की चित्रकारी जातक को निरूपित करता है। अजंता की चित्रकारी जातक को निरूपित करता है। भगीरथी और अलकनंदा नदियां देवप्रयाग में मिलकर गंगा का निर्माण करती है। भगीरथी और अलकनंदा नदियाँ देवप्रयाग में मिलकर गंगा का निर्माण करती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून वापसी के समय, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून वापसी के समय तमिलनाडु के तट पर वर्षा करती है। दक्षिण पश्चिम जब मानसून वापस जाते हैं तो तमिलनाडु के तट पर वर्षा करती है। मोहम्मद गौरी गजनी का शासक था। मोहम्मद गौरी गजनी का शासक था। बालू पत्थर टूटती फूटती चट्टान का रूपांतर है। बालू का पत्थर जो है टूटती फूटती चट्टान का रूपांतर है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियां रहती है। MP में सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियां रहती है। मक्का जो है, मक्का वो खरीफ की फसल है। मक्का किसकी फसल है? खरीफ की। पृथ्वी के करोड़ की त्रिज्या 3400 किलोमीटर। पृथ्वी के अंतर एक छोटा भाग होता है करोड़, ये जो होता है ना इतना, ये होता है करोड़, इसकी त्रिज्या है 3400 किलोमीटर। सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को ओजोन गैस अवशोषित करती है। सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को ओजोन गैस अवशोषित करती है। असम का पूरा नाम कामरूप था। असम का पूरा नाम क्या था? कामरूप। बंगाल का प्राचीन नाम गोंड था। बंगाल का प्राचीन नाम था गोंड। मन्नार की घाटी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। मन्नार की घाटी जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। ब्यूनस आयर्स। एशियाई देश लेबनान की राजधानी बेरूत है। एशियाई देश जो है लेबनान, इसकी राजधानी है बेरूत। जिप्सन उत्पादन में अग्रणी राज्य राजस्थान है। जिप्सन उत्पादन में अग्रणी राज्य है राजस्थान। पिपली घाट दर्रा अरावली पर्वतमाला में स्थित है। पिपली घाट दर्रा अरावली पर्वतमाला में। कुद्रेमुख कर्नाटक लोहा के लिए प्रसिद्ध है। कुद्रेमुख कर्नाटक लोहे के लिए प्रसिद्ध है। भारत में युद्ध टैंक आवाड़ी में बनाए जाते हैं। भारत में जो युद्ध टैंक है वो आवाड़ी में बनाए जाते हैं। सिक्किम की प्रमुख जातियां लेपचा एवं भेटिया है। सिक्किम की प्रमुख जातियां लेपचा एवं भेटिया है।
इसराइल की पार्लियामेंट नीसेट कहलाती है, इसराइल की पार्लियामेंट जो है नीसेट कहलाती है। सेट 21, चंद्रशेखरन समिति का संबंध शेयरों से है, चंद्रशेखरन समिति का संबंध है शेयरों से। अभिनव भारत के संगठनकर्ता बीडी सावरकर थे, कौन थे, बीडी सावरकर। अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है, एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। शिवाजी के समय में भूमिकर रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित थी, भूमिकर किस पर आधारित थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था पे। सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 गैस प्रयोग की जाती थी, सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 गैस। पित्त बाइल जो है यकृत से स्रावित होता है, पित्त जो है बाइल यकृत से स्रावित होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होती है, मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होती है। जब कोई पिंड धनावेशित होता है तो वह इलेक्ट्रॉन का परित्याग करता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों निगेटिव, अगर कोई आवेश जो है निगेटिव दे देता है तो उसके पास क्या बचेगा, पॉजिटिव। सामान्य रूप से परमाणु संख्या द्वारा तत्वों के गुणों का पता चलता है, परमाणु संख्या द्वारा तत्वों के गुणों का पता चलता है। नाभिकीय विखंडन मतलब एक अणु को दो भागों में तोड़ना, नाभिकीय विखंडन। एक भारी नाभिक टूटने से या दो अधिक नाभिकों का निर्माण होता है। एक एथलीट को त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कार्बोहाइड्रेट को लेना चाहिए, एथलीट को एकदम झट से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसे लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट को। प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन रूस का था, पहला अंतरिक्ष यात्री जो था यूरी गागरिन ये था रूस का। कन्याकुमारी शहर तमिलनाडु में स्थित है। घर संसार वाले लोग यार, हम कभी कभी बीवी बीच में ऐसे बुला लेते हैं, तो चलो ठीक है इतना तो एडजस्ट कर लिया करो। शादी जल्दी हुई तो फिर ऐसा होता है तुम्हारे साथ में। प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन रूस के थे। कन्याकुमारी शहर जो है तमिलनाडु में स्थित है। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बैकानोर से छोड़ा गया था, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बैकानोर से छोड़ा गया था। अ वीक विथ गांधी के लेखक है लुई फिशर, इसके लेखक थे लुई फिशर। कंप्यूटर में किसी शब्द का मापन बीट से, मतलब 1 बीट, 2 बीट, 3 बीट, 5 बीट। सेट 22वां, कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला है बैंगलोर, कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला कौन सा है, बैंगलोर। पंडवानी छत्तीसगढ़ का लोकगीत है, पंडवानी कहाँ का लोक, छत्तीसगढ़ का। ओबरा शहर थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है, ओबरा शहर जो है थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे ज्यादा निर्यात चाय का करता है, भारत सबसे ज्यादा निर्यात करता है चाय का, वो भी आसाम से। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। कबीर के गुरु रामानंद थे, कबीर के गुरु कौन थे, रामानंद। 1876 में रानी विक्टोरिया को भारत का सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था, 1876 में। पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय मुंबई में है, पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय मुंबई में। भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुई थी, भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई थी 1972 में। भारत की एक एंटी टैंक मिसाइल नाग है, भारत की एक एंटी टैंक मिसाइल है नाग, अगर टैंक में लगाई तो नाग, अगर ये हेलीकॉप्टर में लगाते हैं तो इसका नाम हो जाता है हेली नाग, हेली नाग। भारतीय थल सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय उधमपुर, थल सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय उधमपुर में। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल पृथ्वी है, भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल है पृथ्वी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना 1988 में की गई, 1988 में की गई। सुंदर राजन समिति का संबंध पेट्रोलियम से है, सुंदर राजन समिति का संबंध है पेट्रोलियम से। राकेश मोहन समिति का संबंध आधारिक वित्तीय संरचना से है, राकेश मोहन समिति का संबंध है आधारिक वित्तीय संरचना से। शहर यार को सुंदर मूर्ख कहा जाता है, शहर यार को सुंदर मूर्ख कहा जाता है।
भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है, भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। सेट 23, एफिल टावर पेरिस में है, आईफिल टावर जो है वो कहाँ पे, पेरिस में। मोहेंजोदड़ो का ग्रेट बाथ धार्मिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है, मोहेंजोदड़ो का ग्रेट बाथ धार्मिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी है सरस्वती, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। मौलिक रूप से खिलाफत आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था, मौलिक रूप से खिलाफत आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था। पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैल शैलमूल मैग्मा कहलाता है, पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैल शैलमूल मैग्मा कहलाता है। हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक है, हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। विजय घाट यमुना नदी के किनारे स्थित है, विजय घाट यमुना नदी के किनारे स्थित है। नियाग्रा प्रपात कनाडा अमेरिका के सीमा पर है, नियाग्रा प्रपात कनाडा अमेरिका के सीमा पर है। चिपको आंदोलन आरंभ करने वाले व्यक्ति सुंदरलाल बहुगुणा है, चिपको आंदोलन आरंभ करने वाले व्यक्ति है सुंदरलाल बहुगुणा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। मानव निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा नायलॉन था, मानव निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा था नायलॉन। पचानवे डेसिबल से ऊपर की ध्वनि तीव्रता को व्यक्ति द्वारा नहीं सुना जा सकता, मतलब 95 डेसिबल से ऊपर की अगर ध्वनि हो तो व्यक्ति इसे नहीं सुन सकता, इसके कान वगैरह फट जाएंगे। ओपेक तेल निर्यातक देशों का एक संगठन है, ओपेक जो है तेल निर्यातक देशों का संगठन है। भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है, भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है, कृषि में। रूस और फिनलैंड के बीच की रेखा मैन रहिन है, रूस और फिनलैंड के बीच की रेखा है मैन रहिन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ब्रिटेन वुड सम्मेलन की देन है, ब्रिटेन वुड सम्मेलन की देन है। इसके लिए दोस्तों ये IMF इसलिए बनाए कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होते हैं दोस्तों, मतलब दो देशों के बीच के, तो इस पर ध्यान रखने के लिए, इसके प्रोटोकॉल के लिए बनाए IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सेट 24वां, नीला व्हेल सबसे बड़ी जीवित स्तनपाई है, नीला व्हेल सबसे बड़ा जीवित स्तनपाई है। एलिसा परीक्षण द्वारा एड्स की जांच होती है, एलिसा परीक्षण द्वारा एड्स की जांच होती है। एड्स का फुल फॉर्म है एक, इसका फुल फॉर्म क्या था यार, डिफिशियंसी सिंड्रोम था ना कुछ तो भी, चलो बाद में याद आता तो बताता हूँ। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, विश्व युवा दिवस जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है। अच्छा ये होमवर्क देना था मुझे, इसलिए मैं बता नहीं रहा था। एड्स का, हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी, हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। आपको वीडियो खत्म होने से पहले इसका फुल फॉर्म बताना है दोस्तों, एड्स का। अभी मुझे पता है, मैं एक दो वीडियो में इसके पहले बता चुका हूँ, मतलब ऐसे नहीं याद नहीं आ रहा, मुझे रोकना था थोड़ा बस। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक था अकबर, सामाजिक सुधार करने वाला मुसलमान का प्रथम शासक था अकबर। मुगल सेना ने 1576 के हल्दी घाटी के युद्ध में, मुगल सेना ने 1576 के हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ के राणा प्रताप को हराया था, मेवाड़ के राणा प्रताप को हराया था। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी सन में शिवाजी और जय सिंह के बीच हुई थी, पुरंदर की संधि किस किस के बीच हुई थी, 1665 में शिवाजी और जय सिंह के बीच हुई थी। पुस्तक आनंद मठ के रचयिता बकीम चंद्र चैटर्जी है, पुस्तक आनंद मठ के रचयिता है बकीम चंद्र चैटर्जी। कर्नाटक संगीत का जनक संत पुरंदर दास को माना जाता है, कर्नाटक संगीत का जनक संत पुरंदर दास को माना जाता है। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडित रमाबाई ने की थी, आर्य महिला समाज की स्थापना पंडित रमाबाई ने की थी। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ 1970 में हुआ था, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ 1970 में हुआ था। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध चीनी घोटाला क्षेत्र से है, ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध चीनी घोटाला क्षेत्र से है।
देश का सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग है। देश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? कपड़ा उद्योग। भारत में चंदन की लकड़ी के वन नीलगिरी के पहाड़ियों में पाए जाते हैं। चंदन की लकड़ी के वन कहाँ? नीलगिरी की पहाड़ी में। लिटमस लाइकेन से मिलता है। लिटमस कहाँ से मिलता है? लाइकेन से मिलता है। एक क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था दोस्तों, एड्स वाला, इफिशंसी सिंड्रोम वाला है इसका कुछ तो भी फुल फॉर्म, आपको बताना है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको एड्स का फुल फॉर्म, और इसके साथ ही लिखना है एड्स दिवस कब मनाया जाता है। ओके, धन्यवाद।